रसायन विज्ञान पिछले दिन कुछ बताया गया था पहले अध्याय में, तो आज है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ाई जा रही है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है? वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सके, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया अग्र और विपरीत, अग्र मतलब अभिकारक और उत्पाद, दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक। और यह कभी भी पूर्ण नहीं होती है, लगातार चलती रहती है। देखिए, वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में, वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में, समान परिस्थितियों में दोनों कहलाती है, ठीक। वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ये क्लियर हो गया? जैसे कोई समीकरण लिखा जाता है, समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष, यहाँ पढ़ चुके हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है, और अभिक्रिया के उपरांत जो नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। जैसे समीकरण लिख दिया गया, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन परस्पर क्रिया करके, परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, ठीक। क्योंकि समीकरण होगा आपका H2+I2=2HI। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो इक्वल होता है, ये इस तीर दिखाते हैं, बराबर दिखाते हैं इसको, ये अर्ध तीर दोनों तरफ दिखाया जाता है। इसका पहले मतलब आपका ये अर्ध दिशा, ये प्लस दिशा, ये विपरीत, ये दोनों दिशाओं में चलती है लगातार, ये कभी भी अपने में पूर्ण नहीं होती, ठीक है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह हो गया आपका एक तरह से, इसको याद रखिएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो ये है वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में हाइड्रोजन और आयोडीन परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, समीकरण में H2+I2=2HI। ये हो गया। अब इसमें क्या है आगे कि अग्र और विपरीत, मतलब ये अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, लेकिन इसमें एक और परिभाषा आ जाएगी
रासायनिक साम्यावस्था, जैसे इसकी मात्रा कुछ लेंगे लेकिन ये डायरेक्ट इतना डायरेक्ट बनेगा नहीं, तो कुछ समय पश्चात दोनों अभिक्रियाओं का वेग मतलब अग्र और पश्च या अग्र विपरीत दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाएगा, तो वह अवस्था क्या कहलाएगी? रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और पश्च दोनों दिशाओं के वेग बराबर हो जाते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की साम्यावस्था कहलाती है। अगली अड़िग दीजिए, रासायनिक, हाँ दोनों हुए, रासायनिक साम्यावस्था, हाँ रासायनिक साम्यावस्था, क्लियर हुआ? एक क्षेत्र का नाम था, फिर से बताओ, अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और पश्च या अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाओं के वेग आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। ठीक है, अभिक्रिया की जिसमें अग्र अभिक्रिया आपस में बराबर हो जाए, तो रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। रासायनिक साम्यावस्था सांद्रता के आधार पर परिभाषा है, सांद्रता के आधार पर परिभाषा क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और पश्च दोनों की सांद्रताएं स्थिर हो जाएगी, सांद्रताएं मतलब जब वेग बराबर हो जाएगा या इनकी मात्राएं बराबर हो जाएगी, तो नहीं इधर जाएगा नहीं इधर होगा, एक अवस्था ऐसी आएगी कि उस समय जो है दोनों की सांद्रताएं क्या होगी, आपस में स्थिर हो जाएगी, वही अवस्था क्या कहलाएगी? रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। तो सांद्रता के आधार पर आप कह सकते हैं अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अगर अभिक्रिया की सांद्रता और विपरीत अभिक्रिया की सांद्रता दोनों स्थिर हो जाए या बराबर हो जाए, तो रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। उदाहरण आपका हो गया या बहुत से और उदाहरण है, उदाहरण जैसे दूसरा PCl5 = phosphorus pentafluoride, तो हो जाएगा आपका PCl3 + Cl2 phosphorus triphosphoride और क्लोरीन भी अवगत हो